नमस्कार, मैं हूँ डॉली आहूजा और आज हम बनाने जा रहे हैं चूड़ा मटर। तो हमने लिया है 500 ग्राम जाड़ा पोहा, इसको अच्छे से धोया है, किसमें? इस छन्नी में, ठीक है। नलके के नीचे रख के आपको सारी इसकी धूल निकाल देनी है, पानी से ये फूल भी जाएगा, बाद में रखेंगे इसको। तो हमारे पास हैं 5 छोटे टमाटर बड़े टुकड़ों में कटे हुए, 2 छोटे आलू बारीक कटे हुए टुकड़ों में, और ये करीबन 200 ग्राम मटर होंगे, और ये है 2.5 टेबलस्पून तेल, 1/2 टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 5 छोटी हरी मिर्चें थिनली स्लाइस्ड हैं, ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, ये 3 टीस्पून सॉल्ट है, आप स्वाद अनुसार डालें, ये थोड़ी सी धनिया पत्ती ऊपर से गार्निशिंग के लिए, मगर हम लास्ट में ही इसको धोकर काटेंगे ताकि तब तक इसकी खुशबू और स्वाद बरकरार रहे। तो ये बढ़िया बबल्स हो रहे हैं इसके, ये गर्म हो चुका है तेल अपना, और आलू में से पानी निकाल के रख लिया हमने। अब इसमें आलू डाल देंगे हम। कितना नमक डालना है? थोड़ा, जस्ट आपके आलू के हिसाब से डालना है, ठीक है, ताकि आलू गल पक जाए अच्छे से और फ्राई भी हो थोड़ा। और बाकी नमक? बाकी नमक हम चटनी के साथ डालेंगे ताकि पूरे चूड़े में टमाटो के चटनी के साथ मसाले के साथ अच्छे से मिल जाए। ये आप केवल 1/2 टीस्पून भी डालेंगे तो भी चलेगा। हल्दी और नमक डालने से ये होता है कि अंदर तक वो अच्छे से जल्दी से कुक हो जाता है। हल्दी पूरा डाल दिया? नहीं, पूरा नहीं, थोड़ा ही, आलू के बराबर ही, 1/2 टीस्पून से भी, वो 1/4 टीस्पून समझ लीजिए। हाँ, जितना लिया था उसका 1/2 हल्दी इसमें डाला और 1/2 बाकी बाद में डालेंगे। तो आलू हो गए कुक अच्छे से, और आपको हिलाते रहना पड़ेगा ताकि रंग बरकरार रहे, एक ही जैसा सबका बराबर रहे। और अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। टमाटर की हमको चटनी बनानी है। अब 3 मिनट हो चुके हैं और टमाटर गल गया है, अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे। जैसे ही चटनी आपकी रेडी हो गई, कुक हो गई एकदम अच्छे से मसाला, आपने उसमें मिर्ची डाल दिया, तब आपको आंच कम कर देनी है। जब आप आलू नहीं डाल रहे हैं और सिर्फ टमाटो की चटनी और मटर के साथ डाल रहे हैं, बना रहे हैं चूड़े, तो आप आलू घी की तेल की क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं। इसमें भी क्या-क्या डाल दिया? इसमें हरी मिर्चें भी डल गई हैं, अदरक भी डल गया है, और अब हमारे लास्ट ये मसाला जो है वो है अपना मटर। लोग इसको प्याज के साथ बहुत लोग बनाते हैं, प्याज और आलू डाल के, कांदे पोहा यहाँ महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, हम लोग ये वाला बनाते हैं, ये मम्मी की खास रेसिपी है और जगह जगह ये खाया जाता है, पसंद किया जाता है, जैसे पंजाब में इसको और यहाँ पर पोहा चिवड़ा ऐसे बोला जाता है, बंगाल में चिड़े बोलते हैं, वहाँ चूड़ा बहुत पसंद किया जाता है, बंगाल में तो दही चूड़ा फेमस चीज़ है, अगर आपकी तबीयत ज़रा भी नासाज हो तो दही चूड़ा, उसमें चीनी डाल के भी लोग खाते हैं। मेरी एक कज़न है, उसने सिखाया था कुछ मसाले मिक्स करके चीनी वगैरह डाल के, वो भी अच्छा था।
यहाँ आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूखे हुए चिवड़े थे आपके, तो ये दानेदार से भी लगेंगे और मसालेदार भी होंगे। तो नाउ इट्स रेडी विद द गार्निश एंड एवरीथिंग। And Subhai and I enjoy making these videos a lot. And you please let us know in the comments section how you like them. Hope you enjoy making them also. And yeah, please do subscribe to our channel if you want more videos. Tell me what else would you like me to make. I like to make only simple things, but thank you so much.